अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलात वस्सलाम अला मन ला नबिया बादा वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। मेरे मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों व अज़ीज़ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम लोग जानेंगे क्या वजूहात हैं, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम डिवाइडेड हैं। जहां तक हमको लगता है, सबसे बड़ा रीजन है अंधी तकलीद, ब्लाइंडली फॉलो करना। हम आपसे एक सवाल करते हैं कि अगर आप अपने को हनफी कहते हैं, अगर तो आप हनफी क्यों हैं? बताइए बताइए। अगर आप शाफई कहते हैं तो शाफई क्यों हैं? बताइए। आप हनफी क्यों हैं? शाफई क्यों हैं? अरे हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हनफी क्यों हैं? कोई अपने को बरेलवी कहता है, कोई देवबंदी कहता है, तो आप बरेलवी क्यों हैं? आप देवबंदी क्यों हैं? क्यों हैं? अच्छा तीसरा सवाल कि बताइए, हनफी बेहतर की शाफई, देवबंदी बेहतर की बरेलवी? बताइए कौन बेहतर, जल्दी बताइए। अब ये वाले सवाल का जवाब फटाफट दीजिए। कौन बेहतर, हनफी की शाफई, देवबंदी की बरेलवी की अहले हदीस? कौन बेहतर, कौन बेहतर? ऑफ कोर्स आपके दिल के अंदर एक जवाब आ रहा होगा, हम बेहतर। हम हनफी तो हनफी बेहतर, हम देवबंदी तो देवबंदी बेहतर, हम अहले हदीस तो अहले हदीस बेहतर। यही दिमाग में आपके जवाब होगा, जिसको भी आप जवाब जुबान पे लाने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि इतनी बातें ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। यही दिमाग में आ रहा होगा ना, हम बेहतर। और सभी यही समझते हैं कि हम बेहतर, जब वो अपने को बेहतर समझ रहा है तभी तो उस ग्रुप में है, नहीं तो दल बदल दिया होता ना अब तक। तो असल में हम क्या करते हैं कि हम अपने को बेहतर समझते हैं और हम हनफी शाफिया वॉट एवर जिस भी ग्रुप में अपने को रखते हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद ऐसे थे। क्यों? हम जहां पैदा हो गए वहां पे जो मसलक, जो मजहब, जो अकीदा फॉलो किया जा रहा था, हम रेशियल क्रीड में उसको फॉलो करने लगे। नस्ली अकीदा है हमारा। हमने अपनी आंखों से, अपने अक्ल से कुरान और सुन्नत को नहीं समझा, हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। अब एक और सवाल, व्हाट अबाउट नॉन मुस्लिम्स? कोई हिंदू घर में पैदा हो गया, कोई ईसाई घर में पैदा हो गया, कोई यहूदी के घर में पैदा हो गया और वो अपने फादर्स फॉर फादर्स को ब्लाइंडली फॉलो करने लगा, अब बताइए कि क्या वो भी बेहतर, क्या वो भी सही, वो ज्यादा सही, हाँ कि नहीं? बताइए, लॉजिक लगाइए। जो जहां पैदा हो गया सिर्फ अपने खानदान के चलन पे, क्या वो बेहतर? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, हरगिज नहीं, उसे चाहिए कि वो ढूंढे हक को पहचाने, हमें चाहिए कि हम हक उस तक पहुंचाए और वो सर्च करे, सही गलत में फर्क करे, फिर फॉलो करे। जिस घर में पैदा हो गया वो इस बात की दलील नहीं है कि वो हक पर है। बात साबित होती है कि नहीं? तो इसे साफ जाहिर होता है कि हम ब्लाइंडली फॉलो करें तो इस बात की दलील नहीं होती कि हम हक पर हैं। जहां पैदा हो जाएं तो दलील नहीं बन सकती हक पर होने की। और हमारा ये जवाब बहुत इररिलेवेंट है, जिसको अल्लाह ताला ने बहुत डिस्करेज किया है। कुरान मजीद में बहुत जगह पर है, जैसे कि सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 21 में दर्ज है कि वइज़ा क़ीला लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाह, जब इनसे कहा जाता है कि उस चीज की पैरवी करो जो अल्लाह ने नाजिल की है, क़ालू बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाना, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो उस चीज की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने आबा अजदाद को पाया। ये बहुत डिस्करेज्ड है। कुरान मजीद ने इसको बहुत बहुत नेगेटिवली प्रेजेंट किया इस आर्गुमेंट को। ये पहले भी लोग दलील देते थे, नहीं हमारे फोर फादर्स क्या वो रॉन्ग थे? अगर हम कह दे वो रॉन्ग थे तो उनका क्या, फिर उनका क्या होगा? तो वो जैसा फॉलो करते रहे हम भी वैसे ही फॉलो करेंगे। तो ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है कि जो हमारे एल्डर्स करते रहे वही हम भी करते चले आए।
अपनी आंखों से कुरान मजीद और सही अहदीस पढ़ना चाहिए, अपने दिमाग से कंक्लूजन निकालना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। आपका अपना ईमान होना चाहिए जाती, आपका अपना अकीदा होना चाहिए जाती, वो इनहेरिटेंस में मिला हुआ नहीं। हर मुसलमान तभी मुसलमान बनेगा जब जाती यकीन उसके अंदर पैदा हो जाए। तो ये ब्लाइंडली फॉलो करना सबसे बड़ा रीजन है डिवाइडेड रहने का।